MSW 14 गांधी समाज कार्य के खंड एक की चौथी इकाई है, हिंसा पर गांधी जी के विचार। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग हिंसा क्या है और हिंसा की गांधी समझ क्या है इसको व्याख्यात करने में सक्षम हो पाएंगे। सामान्यतः जैसा हम लोग जानते हैं कि हिंसा का सामान्य अर्थ किसी को क्षति या नुकसान पहुंचाने से है। महात्मा गांधी की दृष्टि में जब कोई व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा के सुख क्षति पहुंचाता है तो उसे हिंसा कहा जाता है। हिंसा की इस विभिन्न रूपों में मनसा वाचा कर्मणा में किसी तरीके का भाव लाना भी हिंसा का ही एक रूप कहा जा सकता है। हिंसा हमारे वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण विमर्श बन चुका है। गांधी की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वह यह थी कि उन्होंने जिस समाज में हिंसा को किसी भी समस्या का समाधान करने का उत्प्रेरक माना जाता था, उन्होंने अहिंसा विमर्श को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उन्होंने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि यदि मानव समाज चाहे तो अहिंसा के आधार पर भी अपने जीवन को संचालित कर सकता है। गांधी जी के अनुसार मुख्य तौर पर उन्होंने दो तरीके की हिंसा को बताया। पहला, सरकारी हिंसा। गांधी जी के विचारों को जानने वाले या अध्येता इसको स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने राज्य को एक हिंसक संगठन भी बोला था, इसको केंद्रीभूत हिंसा का स्वरूप भी बोला था। अतः वे सरकारी हिंसा को बड़ी पैनी निगाह से देखते थे और उसके ऊपर बहुत ही करीबी निगाह रखते थे और लगातार उस पर चिंतन करते थे। और वे मानते थे कि हिंसा का यह एक स्वरूप है राज्य की संस्था अपने आप में, और राज्य के द्वारा निरंकुश होकर के व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है, उनके व्यक्तित्व विकास को बाधित किया जाता है। कई आलोचकों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं और राज्य सरकार या विभिन्न सरकारों के द्वारा व्यक्तियों के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही है। लेकिन विमर्श के तौर पर गांधी इस बात को प्रस्तुत करते हैं और एक तरीके से वे अराजकतावादियों की श्रेणी में भी शामिल हो जाते हैं जब वे कहते हैं कि राज्य एक घनीभूत हिंसा है। दूसरा, वो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जिसे वे लोक हिंसा से अभी लोक हिंसा का नाम देते हैं। गांधी कहते हैं कि यह हिंसा भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में कि अहिंसक विचारकों को इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ये कहते हैं कि एक तरफ राज्य तो हिंसा का संघीभूत रूप है ही, दूसरी ओर समाज के स्तर पर भी उसके विभिन्न आयाम, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, राजनीति के स्तर पर जो विभिन्न हिंसा के रूप हैं वह, और लोगों की उसमें भागीदारी लोक हिंसा का ही रूप है। आज अगर हम लोग देखें तो जोहान गाल्टुंग नाम के विद्वान ने एक नेगेटिव पीस और पॉजिटिव पीस की अवधारणा दी, साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा भी दी जिसे हम स्ट्रक्चर वायलेंस के नाम से जानते हैं, यानी संरचनात्मक हिंसा। वस्तुतः जब गांधी लोक हिंसा का प्रयोग कर रहे होते हैं तभी वही संरचनागत हिंसा, स्ट्रक्चर वायलेंस का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें व्यक्ति उस संरचनात्मक हिंसा का भाग तो होता है लेकिन उसे कहीं लगता नहीं कि वह हिंसा कर रहा है। जैसे इसमें धर्म हो सकता है, जाति हो सकती है, वर्ग हो सकता है, भाषा आधार हो सकती है, यहाँ तक लिंग भी उसका एक आधार हो सकता है। संपूर्ण पितृसत्ता को लेकर होने वाली बहसें इसको स्पष्ट करती है। तो हम ये देख सकते हैं कि गांधी अपने संपूर्ण न केवल विचारों में अपितु अपने क्रियाकलापों में भी इन दोनों ही हिंसाओं को स्पष्ट रूप से उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि हिंसा के स्वरूप से कैसे बचा जाना चाहिए। अब बात आती है हिंसा के प्रतिरोध। जैसा हम लोग पहले भी सत्याग्रह की अवधारणा के अंतर्गत विचार कर चुके हैं कि गांधी जी किसी भी जुल्म और आतंक को सहना कायरता मानते हैं, लेकिन इनका प्रतिकार हिंसा के माध्यम से करने को वह गलत मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार हिंसा को हिंसा के द्वारा कभी खत्म नहीं किया जा सकता, जबकि हिंसा एवं अत्याचार का जो प्रतिरोध है वह अहिंसा के माध्यम से किया जा सकता है। सत्याग्रह के जो विभिन्न प्रकार बताए गए हैं उनके माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के सामने अगर आप अपना अहिंसा के द्वारा सत्याग्रह करते हैं तब
आप किसी वह व्यक्ति आपको तो समाप्त कर सकता है शरीर के तौर पर, लेकिन आपके विचारों को समाप्त नहीं कर सकता है और आप अहिंसा धर्म का पालन भी कर सकते हैं। यह बात गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों और हिंसा पर उनके विचारों को लेकर के हो। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी की इस दृष्टि का संपूर्ण दृष्टि जो आज हम लोगों ने देखी है उसके समाज कार्य परिप्रेक्ष्य क्या हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं गांधी जी एक राजनीतिज्ञ विचारक और एक व्यवहारिक आदर्शवादी के तौर पर हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा स्वरूप चाहे दक्षिणी अफ्रीका में हो भारत में हो, उन्होंने समाज में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उल्लेखनीय योगदान दिया, समाज में बदलाव लाने को लेकर, समाज में जन जागरूकता को लेकर के, समाज में सशक्तिकरण के जितने आयाम हो सकते हैं उनको लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण बदलावों को जन्म दिया। तो समाज कार्य पाठ्यक्रम या समाज कार्य अध्येता होने के नाते हम लोग जो समाज कार्य की विभिन्न प्रविधियाँ हैं उन प्रविधियों के माध्यम से गांधी समाज कार्य को कैसे समझ सकते हैं उसकी चर्चा अब हम लोग करें। यहाँ तक सवाल व्यक्तिगत वैयक्तिक समाज कार्य का है। हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि गांधी जी व्यक्ति को पहले मानते हैं और समाज में बदलाव का प्रेरक मानते हैं। इसलिए जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी, वह उन एकादश कृतियों को प्रस्तुत करते हैं। ये केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है अपितु सामाजिक गुण भी हैं और एक तरीके से उनकी सामाजिक आचार संहिता भी कही जा सकते हैं। तो इस नज़रे से वैयक्तिक समाज कार्य में उनका यह महत्वपूर्ण योगदान है। वह प्रेम के नियम के आधार पर, अहिंसा के नियम के आधार पर समाज को करने का प्रयास करते हैं। इन एकादश कृतियों के माध्यम से व्यक्ति में बदलाव और आगे चलकर समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। समूह समाज कार्य जिसे ग्रुप वर्क कहा जाता है, या सामुदायिक समाज कार्य कम्युनिटी डेवलपमेंट जिसको आप कह सकते हैं, इन दोनों ही आधारों में गांधी ने अपने जीवन में विभिन्न संस्थाओं को लिया, विभिन्न समूहों को अपने साथ जोड़ा, जिसमें आप गौ सेवा संघ है, किसान संघ है, गांधी उद्योग समूह हुआ और इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे समुदाय थे, आदिवासी समूहों को उन्होंने अपने साथ लिया, स्त्रियों को अपने साथ जोड़ा। तो ये सारी चीज़ें इस बात को अभिव्यक्त करती हैं कि गांधी जी ने ग्रुप वर्क और कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक सशक्त योगदान दिया और उनके द्वारा किए गए कार्यों से हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन की अवधारणा, गांधी जी का संपूर्ण आंदोलन या कई उनके आंदोलन इस सामाजिक क्रिया के बेहतरीन उदाहरण हो सकते हैं, जहां गांधी जी उनको अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं लेकिन उसकी पूरी तैयारी भी करते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध किए जाने वाले किसी भी या सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध किए जाने वाले किसी भी जन जागरण और आंदोलनों के पीछे उनकी एक सशक्त रणनीति होती है जो अहिंसा से परिपूर्ण होती है, लेकिन वो जन जागरूकता को पैदा करने, लोगों के बीच इस विमर्श पर चर्चा करने, संवाद करने, अखबारों के माध्यम से लोगों से लगातार पत्राचार करने, लोगों को एकजुट करने, उनका समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श कर उनके विरुद्ध उनको खड़ा करने, उनकी गोलबंदी से मोबिलाइजेशन कहा जाता है करने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस तरीके से सामाजिक क्रिया के तौर पर गांधी के द्वारा किए कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। समाज कल्याण प्रशासन के तौर पर, समाज कल्याण प्रशासन सामान्यतम नीतियों और के निर्माण और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है, मूल्यांकन को सुनिश्चित करता है जो समाज में कल्याण को बढ़ावा देती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण इस तरीके से किया गया था कि गांधी कभी प्रशासक नहीं रहे, लेकिन जिस समय वो कांग्रेस में उनको अवसर मिला, उन्होंने कांग्रेस के संविधान को समस्त लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास किया और उसके साथ उन्होंने यह भी जोड़ा संविधान में कि कांग्रेस के सदस्य को छुआछूत नहीं माननी होगी। तो ये एक छोटी सी बात इस चीज़ का इस बात का संकेत करती है हमें कि समाज कार्य प्रशासन ऐसा हो जो लोगों के बीच में समानता को बढ़ाता हो, असमानता को कम करता हो, उनकी स्वतंत्रता और समानता का सम्मान करता हो और उनके समक्ष जो चुनौतियां हैं, आम जनता के सामने जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करता हो, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न करता हो और उन सभी का कल्याण सुनिश्चित करता हो। गांधी जी का जीवन हमेशा से इसी चीज़ के लिए प्रयास रहा। जहाँ तक सामाजिक शोध का सवाल है, गांधी किसी भी आंदोलन को बिना शोध के, बिना अध्ययन के
कभी स्वीकार नहीं करते थे। पहले उस समस्या और उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते थे। उस अध्ययन करने के बाद ही वे अपनी रणनीति तय करते थे, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सामाजिक रिसर्च के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी निष्क्रिय प्रतिरोध की जगह अहिंसक सक्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह को अपनी मान्यता देते हैं। वे मानते हैं कि राष्ट्र एवं समाज का उद्धार अहिंसक प्रतिरोध के द्वारा ही संभव है। और समाज कार्य की दृष्टि से भी गांधी जी बड़े प्रासंगिक जान पड़ते हैं। समाज कार्य में आल्मोस मॉडल, प्रेमवत मॉडल के नाम से जाना जाता है। गांधी जी भी अहिंसक रूप से अपने विचार व्यक्ति, समूह और समुदाय की समस्या के निदान एवं उपचार हेतु एक प्रेमवत मॉडल की सार्थकता की पुष्टि करते हुए प्रतीत हो।